सकते हैं कि इनकी मांगे क्या है? मैडम आपका नाम? चंचल गुप्ता, मैं जिला कार्यवाहक हूँ। आपने मोमबत्ती ले रखी है और इसमें आप क्या दिखाना चाहती हैं मोमबत्ती से? हम माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहते हैं कि उजाला हो जाए, उन्हें अंधेरा हो रहा है, उनकी आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई है, हम लोग दिखाई नहीं दे रहे आंगनबाड़ी, जो हम इतना वर्क करते हैं, हमारे पास काम तो थोप देते हैं लेकिन हमारी दर्द नहीं दिखाई देता, उन्हें हमारी पीड़ा नहीं दिखाई देती। 2 महीने हमने आंदोलन किया, आज तक भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया और हम उन्हें आँख खोलना चाहते हैं, उन्हें दिखाना चाहते हैं कि देखिए आप उजाला देखिए, कम से कम हम तो दिखाई दें आपको। हम लोग आंगनवाड़ी तो कहीं दिखाई नहीं देती, बस काम के लिए दिखाई देती है आंगनवाड़ियाँ कि इनके पास BLO का काम है, पोलियो का काम है, कीड़ों की दवाइयों का काम है, सारा काम इन्हें थोप दो और इन पे करवाओ जबरदस्ती। इन्हें हमारे साथ वैसे भी छोड़ छोड़ होता है कि मानदेय तो हमारा 4,000 मात्र 4,000 रुपये देते हैं और काम हमारे पास इतने सारे कि चाहे सर में दर्द हो, चौहारी हो, बीमारी हो, अभी भी हम लोग यहाँ आ चुके तो भी फोन आया है अति कुपोषित बच्चों की लिस्ट दो, सर अगर आपको चाहिए तो कल सेंटर टाइम पर आइए, हम यहाँ से नहीं देंगे, हम अपने धरने पर अपनी बहनों के साथ हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को हम दिखाना चाह रहे हैं कि आप देखिए, जागिए, हमारी पीड़ा को समझिए। बहुत अच्छी बात कि आज ये सारी जो बहनें हैं और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं ये पूरे कैंडल को लेके आई हैं, कैंडल मार्च कर रही हैं, ये मोदी जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखें खोलना चाहती हैं कि वो इन मोमबत्तियों को देखें जो इनके साथ में जो व्यवहार हो रहा है, एक जो 4,000 रुपये के मानक दे पर जो काम कर रही हैं, जो ये पूरे सुबह 8 बजे से लेकर शाम का इनका कोई पता नहीं होता, उसके बावजूद ये बेचारी यहाँ लगी रहती हैं। आइए हमसे और जानकारी। सर ये आज जो कैंडल मार्च किया है और आप इनका नेतृत्व कर रहे हैं, आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो आज कैंडल मार्च से इनको क्या दिखाना चाहते हैं? हम रास्ता दिखाना चाहते हैं, सरकार की आंखें खुल जाए, अंधेरे में बैठी है उसे दिखाना चाहते हैं कि देख भैया हमारे दुख और दर्द देख, 2 महीने आंदोलन किया, मानदेय हमारा काट लिया, देते ही कुछ नहीं है, भीख के बराबर देते हैं 4,000 रुपये 3,000 रुपये, वो भी 2 महीने के दिए नहीं हैं। तो ये कैंडल मार्च हम उसी के विरोध में कर रहे हैं कि जो मानदेय काटा है वो मानदेय न केवल हमारा दिया जाए बल्कि मानदेय हमारा बढ़ाया जाए। और ये सरकार को कहीं अंधे बहरी सरकार है, किसी कोने में बैठी है, सरकार को ये रोशनी दिखाने के लिए हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये हमारा विरोध प्रदर्शन और हम जब तक करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे मानेगी नहीं, हमारी बातें मानेगी नहीं। सर उनके पास में तो अच्छे अच्छे बल्ब हैं, अच्छे अच्छे कंपनियों के हैं, उनके पास में ध्रुव अंबानी जैसे, उनके लड़के मुकेश अंबानी जैसे अच्छी अच्छी लाइट दे रहे हैं, तो इन मोमबत्तियों से क्या उजाला होगा? नहीं तो हमारा प्रयास है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं अगर उन्हीं की सरकार बनी हुई बैठी है तो उसकी आंखें हम खोलना चाहते हैं कि हम भी कम नहीं हैं, कमजोर मत समझना, हमारे ही दम पे तुम ये सरकार में बैठे हो, केंद्र में भी और राज्य में भी, अगर तुम्हें सरकार में आने के बाद बड़े बड़े उद्योगपति चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, यही सारे के सारे नजर आते हैं तो भैया यहाँ तो आओगे वोट लेने तो आओगे, और 2019 का इलेक्शन आ रहा तब बताएंगे, इसीलिए हम अभी से रास्ता दिखा रहे हैं। अगर तुम्हारी बुद्धि में जरा सी भी समझ है तुम्हें सद्बुद्धि दे ईश्वर कि भैया देख लो हम उजाला दिखा रहे हैं आपको, आपको इशारा कर रहे हैं, हमारी बात मान लो, समझ लो, हमें हमारा हक दे दो, नहीं दोगे तो 2019 इलेक्शन में हम आपको अच्छी तरह से रास्ता दिखा देंगे। अभी सर ने बताया है कि ये इन्हें उजाला दिखा रहे हैं, आप इनका नेतृत्व कर रही हैं, आपको कभी साड़ी में बहलाया जाता है, एक साल के अंदर कई बार आपकी ड्रेस चेंज कर दी जाती है, तो उसका क्या एक मतलब है? जो भी सरकारें आती हैं सबको हमारी ड्रेस सबसे पहले नज़र आती है। मायावती जी आई उन्होंने नीला कलर दे दिया, अखिलेश जी आए उन्होंने हमें ग्रीन कलर दे दिया, उन्होंने हमें ग्रीन कलर तो दे दिया, ऊपर से हमें हरा भरा कर दिया, लेकिन उन्होंने हमारे दिलों को और दर्दों को ये नहीं देखा कि हमारे पेट कितने खाली हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, हम भूखे हैं। अब ये सरकार आई है इन्होंने पिंक कलर दे दिया, जो पिंक कलर एक बड़ा खुशहाली का कलर होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपको पिंक कलर पहनाने से आंगनबाड़ी के चेहरों पर खुशहाली नहीं आएगी, आंगनबाड़ी के चेहरों पर खुशहाली उसी दिन आएगी जब आंगनबाड़ी को आप जीने के लायक सम्मानजनक मानदेय देंगे, और जब तक आप मानदेय नहीं देंगे जब तक आंगनबाड़ी, ये मानिए आंगनवाड़ी खुद कुपोषित है, उसके बच्चे कुपोषित हैं, जब आंगनवाड़ी खुद कुपोषित है तो क्या वो दूसरों के बच्चों का कुपोषण दूर करेगी? जो सरकार की मंशा है कि आंगनवाड़ी के द्वारा अपने जो देश के जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनका कुपोषण दूर करा जाए, मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले आप आंगनवाड़ी का कुपोषण दूर कीजिए, जो आधा पेट खाना खाती है उसके बच्चों का कुपोषण दूर कीजिए, जो अपने बच्चों को वो आधा पेट खाना खिलाती है, शिक्षा स्वास्थ्य तो उसके लिए बहुत दूर की बात है, एक सपना बन के रह गया है। अभी हमारे भानु प्रताप सिंह भाई ने बताया कि उनके पास तो अंबानी अडवानी इतने बड़े बड़े धन
पूंजीपति हैं, और आपने कहा कि उनके पास तो इतनी बड़ी बड़ी लाइट है, इतनी बड़ी बड़ी लाइट होने के बाद ही तो हम लोग उनको दिखाई नहीं दे रहे, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको, लेकिन आने वाले समय में हम उनको दिखाई जरूर देंगे। ये हमारा जो आज मकसद है, ये मोमबत्तियाँ दिखाने का, चाहे भले ये देखने में छोटी मोमबत्तियाँ, चाहे भले इसका रोशनी बहुत कम है, लेकिन यही रोशनी उनकी 2019 के चुनाव में बिल्कुल आग लगा के रख देगी, चिंगारी बना देगी, और ये चिंगारी इस तरह से एक मोमबत्ती पूरे घर को स्वाह कर देती है, ये मोमबत्ती एक ज्वाला बन के आएगी, और 2019 में उनको पता लग जाएगा कि इस छोटी सी मोमबत्ती का क्या कारनामा हुआ। मतलब एक नारी को ये भी कहा जाता है कि दुर्गा का नाम दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, नारी शक्ति, नारी शक्ति को इन्होंने नहीं पहचाना। नारी शक्ति जब अपने पे आ जाती है तो उसको कोई भी नहीं हिला सकता। जब नारी शक्ति सड़कों पे आज उतर रही है, इनको शर्म नहीं आती है। आज नारियों को इन्होंने सड़क पे घुमा रखा है, 2 महीने पहले हम घूमे, 2 महीने आंदोलन कराया, तब भी इनको शर्म नहीं आई, और आज भी इनको शर्म नहीं आ रही है। वादे करते हैं नारी सशक्तिकरण की, वादे करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी करते हैं वादे करते हैं कि बेटियों का सम्मान दो, कहाँ सम्मान हो रहा है, नारियों का कहाँ सम्मान हो रहा है। अगर सम्मान होता तो आज हम सड़कों पर नहीं होते। सरकार के इतने जरूरी कामों को हम करते हैं, 3 से 0 जब बच्चा माँ के पेट में आता है, जब माँ गर्भवती होती है, तब से आंगनवाड़ी का कार्य शुरू होता है, जब से हम उसकी देखभाल शुरू करते हैं, बच्चे को माँ को टीका लगवाते हैं, उसकी जाँचें करवाते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसका वजन लेते हैं, उसको आंकते हैं कि ये बच्चा कुपोषण में तो नहीं है, इसका वजन कितना है, उसके बाद में उसको 6 साल तक हम उसकी पूरी देखभाल करते हैं, और उसके बाद में हमको क्या मिलता है, कुछ नहीं। जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, सरकार का इतना जरूरी काम करने के बाद, जो कि नन्हे मुन्ने बच्चे देश की एक धरोहर होते हैं, आने वाले समय में वही बच्चे एक नेता बनते हैं, वही बच्चे एक डॉक्टर बनते हैं, वही बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और आज इन्होंने हमारे जरिए से आंगनवाड़ियों के जरिए से आंगनवाड़ियों को भूखा रखे, आंगनवाड़ियों के बच्चों को भूखा रखे, ये खुद उन बच्चों के साथ नाजायज इंसाफ कर रहे हैं। सावित्री जी, अगला कदम क्या होगा, अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता तो आप क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? हमारा तो बिल्कुल अगला कदम यही है कि हम तो इसी तरीका से सरकार के नाक में दम कर देंगे, जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ जाता, जब तक हमें सम्मानजनक मानदेय नहीं देते हैं। 2 महीने का आंदोलन करने के बाद इन्होंने हमारा 2 महीने का मानदेय रोक दिया है, और बिल्कुल हम कह रहे हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी 2 महीने का मानदेय वापस दे दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपका एक भी सेंटर नहीं चलेगा, सारी आंगनवाड़ियाँ अपने अपने केंद्रों को ताला लगा के फिर पहले की तरह जैसे 2 महीने बैठी थी, अब 6 महीने बैठेंगी, 1 साल बैठेंगी, और आप धमकी देते हो 12वां सेवा समाप्त कर देंगे, और आप हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की बहनों की सेवा समाप्त करके दिखाएं, तब हम बताते हैं कि आप हमारी सेवा कैसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।